आज हम समझेंगे अनलॉफुल असेंबली को, जिसको बताया गया है आईपीसी के चैप्टर 8 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 141 से लेके सेक्शन 144 तक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विद केस लॉ डिस्कस करेंगे कि क्या केस लॉ बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है सेक्शन 141 के अंदर, और ये सेक्शन बात करता है ऐसी कोई भी असेंबली जहां पे पांच या फिर पांच से ज्यादा लोग हैं, वो एक अनलॉफुल असेंबली होती है अगर उनका वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, यहां पे केस था करतार सिंह का। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला था, अगर आपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जहां पे पांच लोग हैं उनको आपने अनलॉफुल असेंबली के तहत अरेस्ट किया है कोई क्राइम करते हुए, या फिर वो एक अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे, तो वहां पे जो पांच लोग थे उनके खिलाफ सबूत मिलने चाहिए। अगर तीन के खिलाफ सबूत मिलते हैं और दो के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, तो आप उन तीनों को अनलॉफुल असेंबली के तहत अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कन्विक्शन इलीगल होती है। तो इस केस के अंदर बोला था कि सभी के खिलाफ सबूत मिलने चाहिए। दोस्तों, अब जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉमन इंटेंशन क्या होती है। दोस्तों, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच में थोड़ा बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो आपकी कॉमन इंटेंशन होती है वो प्री प्लान होती है, वो आप पहले से प्लान करते हैं कि कल हमने ये काम करना है। उसके लिए आप एक असेंबली बनाते हैं जहां पे पांच या फिर पांच से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कॉमन ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, कॉमन ऑब्जेक्ट कभी भी प्री प्लान नहीं होता है, वहां पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता जितने भी पर्सन असेंबली के पार्ट होते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो एक जगह मार्केट लगी है, वहां पे बहुत सारी भीड़ है, और वहां पे दो लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर पांच लोग आते हैं वो अटैक कर देते हैं। वहां पे जो पब्लिक होती है, ये सब देखते हुए जिन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है उन लोगों को बचाने के लिए जो पांच लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक है उनकी वहां पे कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि पब्लिक का यहाँ पे कोई प्री प्लान नहीं था कि वो उनके ऊपर हमला करेंगे। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, जो ऑन द स्पॉट बना। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच में। यहाँ पे केस है मथु पांडे का, 1970 के अंदर हुआ था। इस केस के अंदर कोर्ट ने यह बोला था, अगर कोई भी असेंबली है जहां पे पांच या फिर पांच से ज्यादा लोग हैं, वो बनाई गई है किसी भी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए, और वहां पे वो कोई फोर्स यूज करते हैं जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की है, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये केस याद रखना है, क्योंकि किसी भी सेक्शन के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर जो केस लॉज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको केस लॉज साथ में पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर हमें पांच पॉइंट ऐसे बताए गए हैं कि कब कोई भी असेंबली एक अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है टू ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक ओवरऑल और दूसरा क्रिमिनल फोर्स। ओवरऑल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी के ऊपर एक सुपीरियर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, या फिर आप वहां पे कोई फियर पैदा कर रहे हैं। क्रिमिनल फोर्स का मीनिंग होता है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 350 के अंदर। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी का। आपको यहाँ पे सिर्फ इसका मीनिंग समझना है कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कोई फोर्स यूज कर रहे हैं कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए, जहां पे किसी पर्सन को कोई हर्ट हो रहा है, या फिर कोई फियर पैदा हो रहा है, या फिर कहीं अनॉइस क्रिएट हो रही है। तो ये सिंपल सा इसका यहाँ पे मीनिंग होता है। तो इस सेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो बात करता है कि अगर आप सेंट्रल लेजिस्लेचर के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, या फिर पार्लियामेंट के ऊपर, एंड लास्ट में या फिर पब्लिक सर्वेंट जो अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है उसके ऊपर आप क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं या फिर शो करते हैं क्रिमिनल फोर्स को, तो तब वो एक अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करता है टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप जो लीगल प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, या फिर लॉ की एग्जीक्यूशन कहीं पे होनी है, आप वहां पे पाबंदी लगा रहे हैं या फिर आप अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो वहां भी आप अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं, पुलिस को एक ऐसी सूचना मिलती है कि इस घर में एक अपराधी छुपा हुआ है, और वो वारंट लेके वहां पे पहुंच जाते हैं घर की तलाशी लेने के लिए। अब घर की तलाशी जब वो लेने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है, तो वहां पे घर के पांच लोग वहां पे
खड़े हो जाते हैं कि आप लोग इस घर की तलाशी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो लीगल प्रोसेस है या फिर जो लॉ की एग्जीक्यूशन होनी है, आप वहां पे पाबंदी लगा रहे हैं या फिर आप वहां पे अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो आप तब एक अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। इस सेक्शन का थर्ड पॉइंट बात करता है कि अगर आप कोई मिसचीफ करते हैं या फिर आप क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या फिर आप कोई अदर ऑफेंस करते हैं, तब आप एक अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं। दोस्तों, मिसचीफ हो गया या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, ये एक अपने में एक अलग से टॉपिक है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस सेक्शन का फोर्थ पॉइंट बात करता है कि आप बाय क्रिमिनल फोर्स किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेते हैं या फिर आप किसी पर्सन को डिप्राइव करते हैं उसके इनकॉर्पोरियल राइट से, जैसे किसी का राइट टू वे होता है, आप वहां पे ब्लॉकेज करते हैं, तब आप एक अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ऑफेंस बन जाता है। इसका पांचवा पॉइंट आता है कि आप बाय क्रिमिनल फोर्स किसी पर्सन को कंपेल करते हैं ऐसा काम करने के लिए जो लीगली बाउंड नहीं है वो काम करने के लिए, तब आप एक अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप किसी पर्सन को ऑमिट करते हैं कोई काम करने के लिए जो वो लीगली बाउंड नहीं है, तब भी आप एक अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं। हमारे पास अगला सेक्शन आता है, सेक्शन 142। ये बात करता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली ज्वाइन करता है किसी भी असेंबली को और उसको पता है कि ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो भी एक मेंबर माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली का, ये सेक्शन बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 143। इसके अंदर पनिशमेंट की बात की गई है कि कोई भी पर्सन अगर वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का तो उसको 6 महीने की सजा, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। ये पनिशमेंट सेक्शन 143 के अंदर बताई गई है। और हमारे पास लास्ट सेक्शन आता है इस टॉपिक का, वो है सेक्शन 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन्स। अगर आप विद इंटेंशनली उस असेंबली को ज्वाइन करते हैं विद डेडली वेपन्स, आपके पास कोई तलवार है, कोई आपके पास कोई भाला है या फिर आपके पास कोई भी हथियार है जिससे किसी भी पर्सन को चोट लग सकती है, उसकी जान जा सकती है, तो आप भी लायबल होते हैं अनलॉफुल असेंबली के लिए, तब आपको 2 साल की सजा, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये टॉपिक खत्म होता है अनलॉफुल असेंबली। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट्स को, कि राइट्स कैसे होते हैं, कि कितनी सजा उसके लिए मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आईपीसी की सीरीज ये शुरू की है तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर आप मेरे लिए सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।